फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डॉक्टर अनिता कुठारी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट, यानी कि ट्रांस इफेक्ट का क्या कारण है, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो हम लेंगे। तो मेनली टू थ्योरीज आर प्रपोज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ट्रांस इफेक्ट, एंड दीज थ्योरीज आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी एंड नंबर टू इज द पाई बॉन्डिंग थ्योरी। यानी आप फर्स्ट थ्योरी को आप कह सकते हैं स्थिर वैद्युत ध्रुवण सिद्धांत, और दूसरा जो सिद्धांत है वो है पाईबंद सिद्धांत। ओके, तो सबसे पहले मैं आपका ये फर्स्ट थ्योरी लूंगी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी, है ना। इसको समझने के लिए देखो, मैं आपको दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस ले रही हूं, आप ध्यान से देखिएगा कि दोनों में क्या अंतर है। पहले मैं लूंगी आपको जो फर्स्ट वरायटी है कॉम्प्लेक्स की, वो है हमारे पास PtX4 टाइप की। ओके, और दूसरी तरफ मैं आपकी ये लूंगी PtL X3 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, कि यहाँ पर प्लेटिनम के साथ चारों लिगेंड सेम है, जबकि यहाँ पर तीन लिगेंड सेम है और एक लिगेंड डिफरेंट है, ये राइट। तो सबसे पहले जब मैं अगर ये पहला वाला कॉम्प्लेक्स ले रही हूँ, तो आप देखिएगा ये बीच में प्लेटिनम मेटल है, और इसको जो सराउंडेड है ये चार लिगेंड से, दीज आर द एक्स लिगेंड्स एंड दे आर प्रेजेंट स्क्वायर प्लेनरली, मीन्स एक स्क्वायर के कॉर्नर पर है। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, क्योंकि मेटल पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो वो लिगेंड में क्या करेगी कि जो इससे बिल्कुल अटैच पोर्शन है उस पर नेगेटिव उसको चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के संकुल में, क्योंकि प्लेटिनम के चारों तरफ से एक पॉजिटिव आवेश होता है, उसके चारों तरफ एक धनावेश होता है, एंड हेंस दिस पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेटिनम इंड्यूसेस डायपोल इन द सराउंडिंग 4x लिगेंड, है ना। यानी वो द्विध्रुव प्रेरित कर देती है इन लिगेंड्स में, और इसके जो बिल्कुल पास में अटैच्ड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो थोड़ा डिस्टेंस पे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, राइट। तो अब आप यहां पर क्या नोट करेंगे कि इसमें, क्योंकि जो डायपोल यहां पर इंड्यूस हुआ है वो बिल्कुल इक्वेलेंट है, दोनों के लिगेंड्स बिल्कुल सेम है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, राइट, क्योंकि सारे लिगेंड्स बिल्कुल सेम है। और इसके नेट इफेक्ट क्या होता है कि इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे शोज नो ट्रांस इफेक्ट, उनका कोई भी ट्रांस प्रभाव नहीं होता। ओके, नाउ वी कम टू द सेकंड वैरायटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। यहां पर आप देखेंगे वी आर हैविंग द थ्री लिगेंड्स विच आर सिमिलर एंड वन लिगेंड इज डिफरेंट। ओके, तो व्हाट विल हैपन, पहले मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ बच्चों, फिर उसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। यहां पर प्लेटिनम है, एक बार आप बना लीजिए मेरे साथ साथ, ये तीन लिगेंड्स जो बिल्कुल सेम है उसको मैंने एक्स से शो किया है। ओके, और ये एक लिगेंड जो डिफरेंट है उसको मैंने एल लिखा है। एक बार आप पूरा लिख लीजिए फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। हियर इट इज पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव एंड हियर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हियर नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, एंड हियर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों आप इसे ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कॉम्प्लेक्स एंड दिस वन, द डिफरेंस इज ऑफ ओनली वन लिगेंड, हियर ऑल द फोर लिगेंड्स आर सिमिलर बट हियर वन लिगेंड इज डिफरेंट। तो व्हाट विल हैपन, जैसा हमेशा हुआ है कि प्लेटिनम का पॉजिटिव चार्ज विल इंड्यूस द डायपोल इन ऑल द फोर लिगेंड्स, राइट। तो यहां पर आप देखें कि एक्स के ऊपर माइनस आया है जो बिल्कुल प्लेटिनम से अटैच्ड है, और यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर इससे अटैच पे माइनस, यहां पॉजिटिव या माइनस एंड पॉजिटिव, सिमिलर टू द दिस कॉम्प्लेक्स, राइट। बट द डिफरेंस इज हियर, है ना, हियर वी सी दैट द साइज ऑफ एल इज मोर देन द साइज ऑफ एक्स, और वी कैन से दैट द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एल इज मोर देन एक्स, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एल इज मोर देन एक्स, क्योंकि उसका आकार बड़ा है, इट इज मोर पोलराइजेबल। ओके, तो व्हाट विल हैपन, इसकी वजह से प्लेटिनम जो होगा वो इसमें डायपोल इंड्यूस करेगा, यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसने इसमें डायपोल इंड्यूस किया है, तो इसका डायपोल जो होगा लिगेंड एल का वो फर्दर डायपोल इंड्यूस करेगा प्लेटिनम में। तो क्या होगा कि जो लिगेंड से अटैच बिल्कुल पार्शियल ये पार्ट है मेटल का, इस पर तो आ गया पार्शियल पॉजिटिव क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव है। ओके, और इससे डिस्टेंस पे आ गया नेगेटिव। तो बच्चों पहले तो बताइए आपको ये बात अच्छे से समझ में आई, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, कि हियर ऑल द फोर लिगेंड्स आर सिमिलर, हेंस द नेट इफेक्ट इज जीरो, है ना, क्योंकि सारे बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। ओके, बट हियर वी सी द डिफरेंस दैट थ्री लिगेंड्स आर सिमिलर बट वन लिगेंड इज डिफरेंट, राइट। तो व्हाट विल हैपन, जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट में है दे विल कैंसिल टू ईच अदर एंड दे विल नॉट शो नो ट्रांस इफेक्ट, राइट। बट वेन वी सी दिस एरे, तो व्हाट विल हैपन, सिंस एल इज द साइज ऑफ एल इज बिगर, इसका आकार बड़ा है, हेंस इट इज मोर पोलराइजेबल, सो इट गेट पोलराइज्ड ड्यू टू द प्लेटिनम मेटल बिकॉज ऑफ इट्स बिगर साइज। ओके,
तो हियर वी गेट द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हियर वी गेट द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि एल पोलराइज हो गया है तो इसका जो पोलराइजेशन है दिस इन टर्न पोलराइज द मेटल, वो मेटल को फिर से पोलराइज करेगी एंड वी गेट द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जस्ट नियरर टू एल दिस साइड और यहां पर पार्शियल नेगेटिव आ गया। ओके बच्चों, तो यहां तक सब कुछ अगर आपको क्लियर है तब आप ध्यान से सुनिएगा। तो ये तो ट्रांस इफेक्ट नहीं शो करेगा, लेकिन इसके ऑपोजिट में ये जो है यहां पर देखो आप सिमिलर चार्जेस आ रही है ना, मैं दूसरे कलर से आपको शो करती हूँ। यहां देखिए आप, यहां पर वी आर गेटिंग द सिमिलर चार्जेस, हेंस दिस बॉन्ड बिकम्स वीक, है ना। ये जो आपका बंध है ये थोड़ा सा वीक हो गया है, ये आपका बंध कमजोर हो गया है एंड इट इजिली ब्रेकअप। और यही कारण है कि जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है उसके ऑपोजिट वाला बॉन्ड आराम से टूट जाता है, इट गेट इजिली ब्रेकअप, है ना। और इसीलिए ये ट्रांस इफेक्ट शो करेंगे, है ना। इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप नोट करिएगा उस एग्जाम्पल को, मैं लिख भी रही हूं। इसमें प्लैटिनम का है कॉम्प्लेक्स, यहां पर आप देखिएगा ये तीन ब्रोमाइड मैंने यहां लगाए, एक इधर एक ब्रोमाइड यहां पर है और यहां पर ये इथीन ग्रुप है। ओके, तो आप देखिएगा सिंस द ट्रांस इफेक्ट ऑफ इथीन इज मोर देन एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड, है ना, ब्रोमाइड की तुलना में इथीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो व्हाट विल हैपन कि इसके जो ऑपोजिट वाला ब्रोमीन होगा वो इलोंगेटेड बॉन्ड हो जाएगा, होएगा ना। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड वीक हो जाता है ड्यू टू इट्स ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट, राइट। अगर इफ यू सी द बॉन्ड लेंथ ऑफ दीज बॉन्ड, तो द बॉन्ड लेंथ ऑफ द प्लैटिनम एंड ब्रोमीन बॉन्ड विच इज ट्रांस टू द इथीन ग्रुप इज 2.50 एंगस्ट्रॉम, वेयर एज द बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस प्लैटिनम ब्रोमीन बॉन्ड इज जस्ट 2.42 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो सी द डिफरेंस, दिस बॉन्ड गेट इलोंगेटेड विच इज ट्रांस टू द इथीन ग्रुप एंड हेंस इट इज इजिली ब्रेकअप एंड हेंस सच टाइप ऑफ कंपाउंड शोज द ट्रांस इफेक्ट। ओके, अब इसी में एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उसमें आप देखिएगा कि मैं दूसरा ले रही हूं जिसमें कि ट्रांस इफेक्ट उसका कम है। ओके, तो आई विल चेंज द कलर। ओके, आप यहां पे देखिएगा ये मैंने लिया है प्लैटिनम। ओके, और यहां पर मैंने जो लिए हैं वो है आपके अमीन ग्रुप लिया है, क्या लिया है, NH3 ग्रुप लिया है, ठीक है। अब आप देखना जरा क्या डिफरेंस आ रहा है, यहां पर मैंने लिए हैं तीन ब्रोमाइड ग्रुप्स है दो। अब आप नोट करें, सिंस यहां पर आप क्या कहोगे कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है इस केस में, क्योंकि इस केस में तो आपने देखा कि इथीन का ट्रांसफर ब्रोमाइड के केस ब्रोमाइड्स की तुलना में ज्यादा है, राइट। लेकिन अमोनिया के जो विपरीत है यहाँ पे, क्योंकि अमोनिया का जो ट्रांस इफेक्ट है वो कम है एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड, तो इसकी जो ऑपोजिट वाला है ब्रोमाइड बॉन्ड वो थोड़ा सा छोटा हो गया है ना, अमोनिया के विपरीत जिससे प्लेटिनम ब्रोमीन बॉन्ड है ये थोड़ा सा छोटा होकर के हो गया 2.42, राइट। और जबकि इस ये जो बॉन्ड लेते हैं वो कितनी हो गई 2.70 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो इन दोनों में आप डिफरेंस देखिएगा, ये दोनों एग्जांपल्स में आप क्या डिफरेंस नोट करेंगे कि जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है उसके ऑपोजिट वाला तो वो इलोंगेटेड हो गया है ना। अब यहां पर हम देखेंगे तो क्योंकि अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट क्या है, कम है, और किसका ज्यादा है, ब्रोमाइड का ज्यादा है ना, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ तो कम हो गई और ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और इस केस में क्योंकि इथीन का ट्रांस प्रभाव ज्यादा है तो आप यहां देखेंगे कि ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी है ये हमें सिर्फ उनके बारे में बताती है जो कि सिग्मा बॉन्डिंग लिगेंड्स है। किसके बारे में बता रही है, सिग्मा बॉन्डिंग लिगेंड्स विच शोज ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। क्यों, जैसे कि सपोज इसमें कौन से एग्जाम्पल्स आ गए, ऑल हैलाइड्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं विच शोज द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। इसके अलावा आपके यहां देखेंगे कि हाइड्रोक्साइड है, वॉटर है, जो सिग्मा बॉन्डिंग लिगेंड्स हैं उसके बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है कि किस तरह से वो पोलराइजेशन करते हैं, राइट। तो कुल मिलाकर हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द थ्योरीज ऑफ द ट्रांस इफेक्ट। हम ये बताना चाह रहे हैं कि वाई सम लिगेंड्स शोज हायर ट्रांस इफेक्ट। तो इसके पहले पहला लॉजिक दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि जो जितना बड़ा साइज का होगा वो जितना ज्यादा पोलराइजेबल होगा, उसके ऑपोजिट वाला जो लिगेंड है वो वीकली बॉन्डेड होगा और इसीलिए वो ट्रांस इफेक्ट शो करते हैं, राइट। नाउ वी कम टू द सेकेंड थ्योरी टू एक्सप्लेन द ट्रांस इफेक्ट, एंड दिस थ्योरी इज नोन एज द पाई बॉन्डिंग थ्योरी, है ना। जो लिगेंड पाई बंद बनाते हैं
उनको समझाने के लिए सिद्धांत दिया गया है. तो नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस वन टू यू. सेकेंड थ्योरी इज द पाई बॉन्डिंग थ्योरी. हेडिंग डालिएगा पाई बॉन्डिंग थ्योरी. ओके, अब देखो इस तरह की जो थ्योरी है दिस इज शोन बाय द लिगेंड्स जो कि पाई बंध बनाते हैं, जैसे कि है अपने PR3 लिगेंड्स हैं, है ना, ट्राइअल्काइल फॉस्फिन है, कार्बोनाइल है, इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं. तो इस तरह की थ्योरी को हम इन लिगेंड्स की थ्योरी को हम इससे बहुत अच्छे से समझा सकते हैं. इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं सबसे पहले कि जैसे सपोज प्लेटिनम का कोई कॉम्प्लेक्स है PTX3, उस पर लगा हुआ है PR3 लिगेंड. क्या लगा है? PR3 लिगेंड. तो आपको पता है कि फॉस्फरस हेयर इन PR3 फॉस्फरस इज हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल. क्या है इसके पास में? वेकेंट डी ऑर्बिटल. फॉस्फरस के पास में खाली डी कक्षक होते हैं. ओके, तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि सिंस द रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड प्रोसीड बाय SN2 मैकेनिज्म एंड विद द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग थ्रू SN2 मीडियम वी आर गेटिंग अ ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था में मिलती है. ओके, ध्यान से सुनिएगा. वी गेट द ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस स्टेट गेट स्टेबलाइज बाय द पाई बॉन्डिंग. और ये जो स्थिति होती है वो पाई बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाती है. किस तरह से? देखिएगा, ये अगर सपोज प्लेटिनम है, ओके, यहां पर मैंने ये फॉस्फरस बनाया है, ये एक एक्स लिगेंड है इसके बिल्कुल ऑपोजिट में. ओके, तो आप देखिएगा ध्यान से कि दिस इज द 1d ऑर्बिटल ऑफ प्लेटिनम एटम. ये प्लेटिनम की एक डी ऑर्बिटल है एंड दिस ऑर्बिटल गेट ओवरलैप्ड विद द डी ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस. मैं थोड़ा इसे दूर बना देती हूँ बच्चों ताकि अच्छी सी क्लियर हो हमें, है ना. तो इसको थोड़ा सा मैं पास दूर ले लेती हूँ. ये देखिएगा, ये फॉस्फोरस लिया है मैंने, है ना. इसकी ऑर्बिटल को अलग से दिखाने के लिए मैंने ग्रीन पेन यूज किया है. आप देखिए जरा ध्यान से, इस तरह से ये फॉस्फोरस की डी ऑर्बिटल है. ओके, विच इज वेकेंट हियर. ये पॉजिटिव साइन है इसका, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव, है ना. तो आप यहां से देखिएगा कि ये यहां पर वेकेंट होती है और ये फिल्ड ऑर्बिटल होती है प्लेटिनम की. सिंस इट इज फिल्ड सो आई एम गिविंग शेड इन दिस ऑर्बिटल. दिस इज द फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ प्लेटिनम. फिल्ड डी ऑर्बिटल, आइदर इट इज DXZ और इट इज DYZ ऑर्बिटल ऑफ प्लेटिनम. ओके, ठीक है, ये इसकी फील्ड ऑर्बिटल है. एंड दिस वन इज द वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फरस. वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फरस. सो देयर इज साइडवाइज ओवरलैप बिटवीन द डी ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फरस विद द प्लेटिनम एंड दिस पाई बॉन्डिंग. ड्यू टू दिस पाई बॉन्डिंग देयर इज स्टेबिलिटी, है ना. तो हम क्या कहेंगे कि इसने इसको डोनेट कर दिया और इस अतिव्यापन से एक बहुत ही स्टेबल ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री बनी है और इसके ऑपोजिट वाला जो बॉन्ड है ये आपका यहां पर वीक हो गया. क्या हो गया? ये वीक हो गया और इजिली ये टूट जाएगा. क्लियर है? तो कुल मिलाकर के पाई बॉन्डिंग से हम क्या समझा सकते हैं कि पाई बॉन्डिंग की वजह से ये स्टेबल बॉन्ड बना है और इसके ऑपोजिट वाला इसमें से आराम से निकल गया, राइट. इसी तरह से आप ये भी बता सकते हैं कि जो हैलाइड्स होते हैं, है ना, ये तो मैंने किसका केस बताया जिसमें ट्राइअल्काइल फॉस्फिन हो. अगर सपोज कोई हैलाइड्स है हमारे पास में जिसका की साइज बड़ा है ना, जिसका की आकार बड़ा हो, तो उसके केस में किस तरह से ओवरलैपिंग होगी वो मैं आपको शो कर रही हूं. ओके, तो इसमें आप देखिएगा, ये मैंने लिया है, ये देखिएगा, ये प्लेटिनम मेटल है आपकी. देखो ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री बना रही हूं मैं. ये एक एक्स लिगेंड है. ओके, यहां पर आप देखिएगा ये एक एल लिगेंड है. ओके, ये वाई है. एक बार आप नोट करें बच्चों, फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. ये है वाई, ये है एक्स, ये है एक्स, ये है एल. ओके, ठीक है, ये आपका एक्स हो गया है. यहां पर बना लेती हूँ, सपोज दिस वन इज एक्स. ओके, ये वाई हो गया आपका, ये एक्स एल, एंड यहां पर अगेन ये हो गया एक्स. तो आप देखिए ये एक ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री है ना. दिस इज ट्रायंगुलर
बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था होती है। ओके तो आप यहां पे देखिएगा, अगर ये जो एल लिगेंड है ना, तो पहले एक बार मैं इसको पूरा ड्रॉ कर देती हूं बच्चों। यहां पर ये देखिए, मैं दो इसके लोब बना रही हूं, डी ऑर्बिटल है ये इसकी प्लैटिनम की, और इसके ये एल के लोब्स बना रही हूं। किस तरह से वो ओवरलैप करते हैं आप ध्यान से देखिएगा, है ना। और यहां पर ये इसके दो लोब हैं प्लैटिनम की। ओके ये प्लस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस है तो माइनस, और ये प्लस। ओके अब आप इसे ध्यान से देखिएगा, है ना, कि आप क्या देखेंगे, क्योंकि अच्छा ये फील्ड है तो मैं एक बार इसमें शेडिंग दे देती हूं। ये फील्ड है, फील्ड ऑर्बिटल हियर। एक मिनट पहले मैं इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं बच्चों। देखो अब एक बार आप सुन लो ध्यान से कि मैं क्या कहना चाह रही हूं, कि कुल मिलाकर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। कब बन रही है? व्हेन इनकमिंग लिगेंड। व्हाई इज द इनकमिंग लिगेंड? कौन सा लिगेंड है बच्चों? इनकमिंग लिगेंड, इनकमिंग लिगेंड व्हाई इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द स्क्वायर प्लेनर प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स। उसकी तरफ जब वो अप्रोच करता है तो एक ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनती है। तो क्योंकि एल का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, किसका इफेक्ट ज्यादा है? एल का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। ये अपनी पी ऑर्बिटल के साथ में मेटल की डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाता है, और क्योंकि इधर पाई बॉन्डिंग बन रही है, ये लोब्स बड़े हो गए हैं, इनका साइज छोटा हो गया है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है ना, इसलिए ये वाला बॉन्ड क्या हो गया? वीक हो गया। एंड दिस इज द आउटगोइंग लिगेंड, आउटगोइंग लिगेंड। क्यों? बिकॉज दिस बॉन्ड गेट वीकर एंड इजिली ब्रेकअप, और इसीलिए एल के जो ट्रांस वाला बॉन्ड है वो इजिली ब्रेकअप हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, दिस इज द ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ट्रांजिशन स्टेट है, या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह दीजिए। और जब इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है, हैज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन गेट डिक्रीज्ड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज्ड, और इसीलिए रिएक्शन क्या हो जाती है? फास्ट होती है ना। तो इसमें आप यहां देखेंगे, हियर वी आर शोइंग द डी पाई पी पाई बॉन्ड, डी पाई पी पाई बॉन्ड है ये, देखिए आप, ये डी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, एंड दिस वन इज द डी ऑर्बिटल। ओके यहां पर मैं इस साइड में लिख देती हूं बच्चों, दिस इज द डी ऑर्बिटल। ओके है ना, और यहां पर आप देखेंगे ये डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, सो सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज डी पाई डी पाई बॉन्ड। ओके तो यहां पर आप देखेंगे कि प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स ने जो प्लेटिनम की जो फील्ड डी वाई जेड ऑर्बिटल है, दिस वन इज द फील्ड, फील्ड डी वाई जेड ऑर्बिटल है मेटल की। सिंस इट इज फील्ड तो मैं इसमें शेडिंग दे रही हूं, आप देखिएगा। ओके वो एल की जो वेकेंट पी ऑर्बिटल है, दिस वन इज द वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ एल है, उसके साथ ओवरलैप करती है, और इस तरह से यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और इसीलिए इसके ऑपोजिट वाला जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है और ये अपना प्रोडक्ट बनाता है। राइट बच्चों? तो मैं समझती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि वाई सम लिगेंड्स प्रिफर टू डिसोसिएट द बॉन्ड ट्रांस टू देमसेल्फ, बिकॉज दिस इज नोन एज द ट्रांस इफेक्ट। इसका कारण हमने दो देखा, एक तो पोलराइजेशन थ्योरी देखी कि जिससे लिगेंड का आकार बड़ा होता है वो ज्यादा पोलराइज होता है, वो मेटल को पोलराइज करके अपने से ट्रांस लिगेंड के बॉन्ड को वीक कर देता है, और दूसरी हमने देखी पाई बॉन्डिंग थ्योरी। पाई बॉन्डिंग थ्योरी का बेसिस ये है कि जो लिगेंड्स होते हैं दे कैन इजीली फॉर्म द पाई बॉन्ड एंड हेंस गेट स्टेबलाइज द फाइव कोऑर्डिनेटेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट, और इसीलिए जो उनके ऑपोजिट वाला लिगेंड है वो थोड़ा सा वीक बॉन्ड बनाएगा और इजीली ब्रेकअप हो जाएगा। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांस इफेक्ट एंड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।